Okay, good morning students. Now let's start our new lesson. Lesson name is Rupali Ba, an epitome of the bravery. ये जो lesson है, ये जो एक प्रकार से कहानी, एक story है और real story है, तो ये an epitome of bravery कहा जाता है, मतलब शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन जिसको हम बोल सकते हैं. क्या है, हम इसके बारे में डिटेल अभी देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, ब्रेव वुमेन डू नॉट लेट देयर कॉन्फिडेंस शेकन इवन इन अ मोस्ट एडवर्स कंडीशन. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर कोई औरत है, कोई भी इंसान हो, पर यहाँ औरत की बात चल रही है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, अगर उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, तो वो किसी भी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन मतलब बुरी सी बुरी कंडीशन में भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देती. रूपाली बा, अ न्यूली वेड वीमेन, ब्रेवली फेस द रॉबर्स हु अटैक्ड हर कैराविन इन अ डेजर्ट्स. ये रूपाली बा एक नाम की एक लड़की थी जिसकी जस्ट न्यूली शादी हुई थी, और वो उन रॉबर्स का मतलब जिनको अपन लुटेरे कह सकते, उनके साथ वो, उनके जो अटैक जो हुए थे उनके ऊपर, उनके साथ उसने वॉर किया, एक युद्ध किया. जहाँ कहाँ पे हुआ था उनके ऊपर वार, वो डेजर्ट में, तो उनके साथ उसने युद्ध किया था. कैसे किया था अभी आगे देखेंगे अपन. शी फॉट विथ अ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन. वो बहुत ही करेज, इसलिए हिम्मत से और डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति से उन चोरों के साथ, उन लूटरों के साथ उसने मारामारी की थी, अपने आप को बचाने की कोशिश की थी. रीड टू द फाइंड आउट इफ शी वॉज एबल टू फॉइल देयर अटैक. तो हम उसके बारे में अभी इस लेसन में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखते क्या दिया हुआ है. मेनी ईयर्स एगो सम राजपूत्स फ्रॉम द राजपुताना, मतलब राजस्थान से, माइग्रेटेड टू गुजरात. बहुत सालों पहले की बात है कि कुछ राजपूत जो थे, जो राजस्थान के थे, वो क्या हुए, माइग्रेटेड हुए गुजरात को. माइग्रेटेड का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेटेड टू गुजरात, गुजरात में आके रहने लग गए थे राजस्थान से. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकम द वन विद द लोकल पीपल द गुज्जर्स. अब वो राजस्थान से गुजरात में आके रहने लग गए, तो बहुत साल धीरे 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 बीतते गए, कई पीढ़ियां वहां पे निकल गई, और वो वहां पे रहते रहते धीरे धीरे वहां के लोकल ही बन गए, मतलब वहीं के स्थाई की लोग बन गए, और उनको क्या कहा जाता था, गुज्जर्स, है ना, उन लोगों को क्या कहा जाता था, गुज्जर्स कहा जाता था. दिस स्टोरी इज ऑफ अ ब्रेव वुमेन, वुमेन रूपाली बा. और ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो किसके बारे में है, एक ब्रेव वुमेन, शक्तिशाली औरत जिसका नाम है रूपाली बा, हुज एंसेस्टर्स हैड गॉन टू गुजरात फ्रॉम राजस्थान, जिसके पूर्वज जो थे, दादा परदादा जो थे, वो गए थे कहाँ, गुजरात को, कहाँ से, राजस्थान से गुजरात को, जिनको ही हम गुज्जर कहते हैं. इन दोज ओल्डन डेज व्हेन अ मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेयर लिमिटेड एंड जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर टुक अ लॉन्ग टाइम, पीपल जनरली ट्रेवल्ड इन द डे एंड अवॉइडेड नाइट जर्नीज. अब पुराने ज़माने की बात है कि जब आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड साधन हुआ करते थे. मतलब आज जैसे हम एरोप्लेन देखते हैं, बस देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, कार देखते हैं, वैसे पुराने ज़माने में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था. और साधन थे भी तो वो कैसे थे, बैलगाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वाले. और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टुक अ लॉन्ग टाइम, और इसलिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से अगर हम जाते हैं, या फिर कोई हम पैदल जाते, पहले के लोग पैदल भी गांव जाया करते थे, बहुत दूर दूर तक, दो दो दिन, दो दो रात चलते हुए जाते थे, तो इस ऐसे वक्त उनको समय भी ज़्यादा लगता था. देन पीपल जनरली ट्रेवल्ड इन द डे एंड अवॉइडेड नाइट जर्नीज, और इसलिए उस जमाने में लोग जनरली दिन में ही सफ़र किया करते थे, रात का सफ़र वो हमेशा टालने की कोशिश करते थे, नहीं जाने की कोशिश करते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी रहते होंगे. अब देखते आगे.
These extremely difficult journeys were avoided unless they were the absolutely necessary. हाँ, रात में जर्नी करते भी थे वो लोग, पर कब? जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो. अगर किसी के मौत की खबर किसी को पहुंचानी है तो रातों रात अगर उसको जाना है तो वो चला जाएगा जो भी उनको बताना, या किसी की तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल या वैद्य के पास जाना है. पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे. वैद्य जी के पास अगर लेके जाना है तो लोग ऐसे वक्त उनको लेके जाया करते थे रात में भी. पर अगर ऐसे नॉर्मल जर्नी उनको करनी है तो जनरली कब करते थे? वो दिन में करते थे. Then nobody traveled without escorts as such escorts were in a great demand. और जब भी वो एक जगह से दूसरे जगह अगर उनको ट्रैवलिंग करते हुए जाना है तो वो विदाउट एस्कॉर्ट्स के साथ नहीं जाते थे. एस्कॉर्ट्स का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बॉडीगार्ड, एक प्रकार से पुराने ज़माने में अच्छे ताकत वाले लोग वो अपने साथ में रखा करते थे, उनको एस्कॉर्ट्स कहते हैं, बॉडीगार्ड जिसको अपन बोल सकते. एज अ सच एस्कॉर्ट्स वेर इन अ ग्रेट डिमांड, और इसलिए उस जमाने में एस्कॉर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग उनको पैसे देकर बुलाया करते थे. नाउ गेमा वॉज वन ऑफ सच एस्कॉर्ट्स हु हैड मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ. इसी प्रकार गेमा नाम का एक आदमी था, एस्कॉर्ट्स था, पहलवान था, बॉडीगार्ड था, जिसने अपने ताकत के भरोसे पर अपना नाम पूरे एरिया में रोशन कर दिया था, फेमस था. एक्चुअली बोलने का मतलब फेमस हो गया था. ही वॉज अ वेरी डेयरिंग एंड अ विल्ड अ शॉर्ट्स विथ सच अ एक्सेप्शनल स्किल दैट इवन रॉबर्स फ्लेड टू हियर हिज नेम. और वो उसमें बहुत डेयरिंग थी, बोलते गेमा में बहुत ज़्यादा डेयरिंग थी, और उसकी तलवारबाजी भी लोग देखकर डर जाते थे, और इसलिए बहुत सारे जो चोर लोग थे, गुंडे मवाली जो थे, रॉबर्स जो थे, डाकू लोग जो थे, उसके नाम से कांपते थे. एनी ग्रुप ऑफ द ट्रेवलर्स एस्कॉर्ट बाय द गेमा हैड नो फियर ऑफ द रॉबर्स. और जिस भी लोगों ने गेमा को अपने बॉडीगार्ड बनाया है तो ऐसे वक्त उनको कोई भी डर नहीं लगा रहता था. देन प्रेज स्टार्टेड गेटिंग इन टू अ गेमाज हेड, हीज फेम मेड हिम बॉस्टफुल एंड ही वॉज लेस अलर्ट वाइल एस्कॉर्टिंग ट्रेवलिंग. अब धीरे धीरे उसका नाम बहुत चलते गया, लोग उससे डरते गए, मतलब लोग नहीं, चोर लोग उससे डरने लग गए. ये बात का हल्का सा उसको घमंड आ गया, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, लेस अलर्ट हो गया. उसने ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे नाम से ही लोग चोर लोग काँप जाते हैं, तो वो मैं जिसके साथ जाऊंगा वहां पे वो अटैक नहीं करेंगे करके. देन वंस गेमा वॉज हायर्ड टू द एस्कॉर्ट्स अ यंग एंड अ ब्यूटीफुल राजपूत वुमेन नेम्ड रूपाली बा. तो ये जो रूपाली बा जो थी बहुत ही सुंदर और यंग लड़की थी जिसकी नई नई शादी हो गई थी. दिस न्यूली मैरिड गर्ल हु लिव्ड विद हर इन लॉज हैड टू विजिट हर फादर इन अनदर विलेज. तो ये जो नई नई शादी हुई थी वो अपने ससुराल में रहती थी और वो अपने मायके जाना चाहती थी. द रूट वॉज अ कम्प्लीटली डेजर्टेड एंड दे वे वॉज सैंडी. और वो जो एरिया जो था जहाँ से उनको जाना था वो पूरी तरीके से कैसा था, डेजर्टेड था, पूरा रेतीला इलाका था. बींग अ न्यू ब्राइड रूपाली बा हैड टू एड ऑन हर सेल्फ विथ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड कैरी अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड अ एक्सपेंसिव क्लोथ. अब ये नई नई शादी होने के कारण, नई दुल्हन होने के कारण उसके पास बहुत सारे क्या थे, गहने थे, गोल्ड के गहने थे, सिल्वर के गहने थे, और वो बहुत सारे कॉइन्स भी उसके पास रखे थे, और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा महंगे थे. They set out on their journey in two bullock carts, one having a Rupali Ba and her belongings, and the other carrying Gema and his weapons. अब वो अपने गाड़ियों पे टू बुलक कार्ट्स उन्होंने ले लिए और सब अपना अपना सामान और अपने हथियार वगैरह वहाँ पे भर के वो निकल गए. गेमा एंड हिज वेपन्स फूड एंड वाटर एंड फॉर द जर्नी. गेमा ने अपने अपने वेपन्स भी रख लिए, खाने पीने की सारी चीज़ें रख ली, और उन्होंने जर्नी चालू की. एज अ नाइट फेल दे वेर स्टिल ट्रेवलिंग एज देर वॉज नो इन नियर बाय.
रात हो चुकी थी, फिर भी वह चलते ही जा रहे थे क्योंकि आजू बाजू में ऐसा कोई रुकने का या फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात उनको दिखाई नहीं दी। ऑन द वे द ओवर कॉन्फिडेंट, और रास्ते में ये जो ओवर कॉन्फिडेंट गेमा जो हो गया था, वेंट टू स्लीप, वो जो उसको थोड़ा सा खुद को बहुत ग्रेट समझने लग गया था, उसकी आंख लग गई और वो उस समय पे सो गया। अब आगे देखो क्या हो गया। फॉरगेटिंग हिज ड्यूटी, अपना काम भूल के वो सो गया। इवन द वियरिंग ऑफ द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड द रूपाली बा हैड नो इफेक्ट ऑन हिम एंड केप्ट ऑन द स्लीपिंग। और सब लोग ये सोच के ये हो गए थे कि भैया ये जब तक गेमा है तब तक कोई चोर उनके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता, इसलिए वो सब शांत से सो गए थे। द कैरावन वॉज अटैक्ड बाई अ डजन ऑफ द हेविली आर्म रॉबर्स, और अचानक उनके ऊपर कम से कम 10-12 लोगों ने हमला कर दिया। बिफोर गेमा कुड रियलाइज वॉट हैपन्ड ही हैड बीन ओवर पावर्ड एंड टाइड अप विद अ रोप एंड अ थ्रोन आउट ऑफ द कार्ट। और जैसे ही गेमा को होश आता और वो कुछ कर पाता, उतने में ही उन लोगों ने गेमा को पूरी तरीके से पकड़ लिया, उसको रस्सी से बांध दिया और गाड़ी से फेंक दिया, बैलगाड़ी से उसको फेंक दिया। हैविंग गॉट राइड ऑफ द गेमा द रॉबर्स टर्न्ड देयर अटेंशन टू द रूपाली बा। अब ये गेमा का काम खत्म करने के बाद लोगों का, उन चोरों का ध्यान रूपाली बा के तरफ गया। दे आस्क्ड हर टू गिव देम ऑल हर बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग द ऑर्नामेंट शी वॉज वेयरिंग। और चोरों ने उसको डिमांड किया कि जो भी तुम्हारे पास है, सोना चांदी हीरे जवाहरात कपड़े लत्थे जो भी अच्छे महंगे वाले, वो सारे के सारे वो चोरों के हवाले कर दो, ऐसा उन्होंने वो बोला। द करेजियस रूपाली बा डिड नॉट गेट पैनिक्ड, और ये तो पहले से ही क्या थी, स्ट्रांग थी, तो वो डरी नहीं उस वक्त। शी क्वाइटली रिमूव्ड हर ऑर्नामेंट्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ वे आउट। वो धीरे धीरे अपना सोना चांदी निकालते निकालते उस सिचुएशन से निकलने का प्लान बना रही थी। टू डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन शी पुश्ड आउट हर फीट फ्रॉम अंडर द मुस्लिन क्लॉथ एंड आस्क्ड द रॉबर्स टू रिमूव द हेवी सिल्वर एंकलेट शी वॉज वेयरिंग। और उसने अपना दिमाग लगाई और उसने चोरों को क्या कहा कि मेरे पैर में जो एक गहना है, एंकलेट्स है, वो थोड़ा सा टाइट है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा उसको निकालने की कोशिश करो। वाइल टू ऑफ द रॉबर्स गॉट बिजी रिमूविंग हर एंकलेट्स शी ग्रिप्ड एन आयरन रॉड विद बोथ हर हैंड्स एंड हिट द रॉबर्स हार्ड ऑन देयर हेड्स। और जैसे ही वो उसके गहने को निकालने में बिजी हो गए, वैसा ही उसने अपने हाथों में जो रॉड लिया लोहे का, और वो जिम धर मारा उनके सर पर, उन चोरों के सर पर। टू रॉबर्स डाइड ऑन द स्पॉट, तो जैसा ही उसने उनके सर पे वार किया, वो जगह पर ही दोनों के दोनों रॉबर्स जो डाकू थे वो मर गए, जगह पर ही मर गए एक ही झटके में। विद इन अ सेकेंड रूपाली बा वॉज आउट ऑफ द हर कार्ट, विद इन अ सेकेंड वो अपने उस बैलगाड़ी से बाहर निकल गई। डिटरमाइंड टू टीच द रॉबर्स अ लेसन शी पाउंस्ड ऑन देम फॉरगेटिंग दैट शी वॉज अ वुमेन एंड हर एनिमीज वेयर टफ एंड क्रूएल। वो क्या बोलते हैं, वो बुलक कार्ट से बाहर निकली और उसने ये भी नहीं सोचा कि वो औरत है, और उसने अपने उन डाकुओं को, चोरों को मारना स्टार्ट किया। वो भूल गई थी कि वो जो डाकू जो है वो कैसे है, बहुत ही सख्त है, टफ है, ताकतवर है और निर्दयी है, क्रूएल है, राक्षस की तरह है, वो कुछ भी उसको कर सकते थे। अभी आगे देखो क्या होता है। शी वेंट फॉर द रॉबर्स हिटिंग देम राइट एंड लेफ्ट विद अ रॉड, और वो उनको मारने लग गई लेफ्ट राइट में, जो भी जैसा भी आया हाथ घुमाने लग गई और चोरों को मारने लग गई। सो द फियर्स वॉर द हर अटैक दैट नो बडी कुड हैव बिलीव दैट शी वॉज अ गर्ल ऑफ ओनली 18। और जिस तरह से वो उनको मार रही थी, पीट रही थी, तो उन चोरों को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक छोटी सी 18 साल की ही लड़की है, ऐसा उनको विश्वास नहीं हो रहा था। She fought like a true Rajput woman, brave and a completely fearless. और वो कौन थी, वो राजपूत लड़की थी जिसको राजपूताना कहते हैं, और वो कैसी थी, निडर रहती थी हमेशा। Then having got a ride of a gema, the robbers had not expected such a strong resistance. अब इन चोरों ने ये नहीं सोचा होगा कि जब हम गेमा को भी भगा देंगे, वहाँ से मार देंगे,
उसको गिरा देंगे तो भी हमको इतना विरोध सहन करना पड़ेगा, इतना मार खाना पड़ेगा करके। दे हैड पुट अवे देयर वेपन्स एंड देयर कम्प्लीटली टेकन बाय अ सरप्राइज व्हेन अटैक बाय रूपाली बा, और उन्होंने भी अपने हथियार वहीं पे फेंक दिए, छोड़ दिए और वो भाग के निकलने लग गए। रूपाली बा टूक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड इन्फ्लिक्टेड एज मेनी वुंड्स एज शी कुड ऑन द रॉबर्स, और यही उसने मौका देखा और वो उन पर वार करते रही। द रॉबर्स स्नैच्ड अप देयर सोर्स अटैक बैक, और उनमें से कुछ रॉबर्स ने उसके ऊपर उल्टा पलटवार किया। दे हिट रूपाली बा एंड वुंडेड हर सीरियसली बट दे कुड नॉट शेक हर डिटर्मिनेशन टू फाइट ब्रेवली। कुछ जख्म उसको भी लग चुके थे, चोरों ने उसको भी मारा, लेकिन वो डरी नहीं, उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था। द चीफ ऑफ द रॉबर्स डिसाइडेड टू फ्ली फ्रॉम द सीन टू सेव हिज लाइफ। उन चोरों का जो लीडर था उसने बोला कि भैया जान बचा के यहां से भाग जाओ। विद द चीफ गॉन द अदर सर्वाइवर्स ऑफ द गैंग वेर कंप्लीटली डिसहंटेड एंड अ फ्लीड, और जैसे ही उनका मुखिया भाग गया वैसे ही वो जो बाकी के जो थे डाकू जो थे गुंडे जो थे लुटेरे जो थे वो भी भाग गए। गेमा हु हैड मैनेज्ड टू अनटाई हिज हैंड्स एंड लेग्स was so ashamed for himself that he could never gather courage to show his face again। और कैसे तो भी गेमा ने अपने हाथ छू खोल के अपने पैर छुड़वा के खोल के वो वहाँ पे अपने आप के ऊपर उसको शर्म आने लगे कि मेरे होते हुए इस हमारे टोली पे हमारे इस बैलगाड़ी पे क्या हुआ है, एक हादसा हुआ है, इसके लिए मैं अभी किसको मुंह दिखाऊंगा, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। The wounded Rupaliba did not climb back into her cart but walked behind the cart with a sword in her hand, escorting the cart। अब वो बहुत पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, इतनी जख्मी हो चुकी थी कि वो अपने बैलगाड़ी पे दोबारा नहीं बैठ सक पा रही थी, पर वो अपने वो उस जगह तक जा पहुंची, है ना, जो अपने एस्कॉर्टिंग द कार्ट तक वो अपने जा पहुंची। नो रॉबर केम नियर द कार्ट फॉर द फियर ऑफ द बींग कट इन टू द पीसेज, और वो अपने बैलगाड़ी के पास जब आई तो बैलगाड़ी के पास डबल से चोर आने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर हम गए तो अभी हम जिंदा नहीं बचेंगे। ऑन द वे टू द हर फादर्स विलेज शी हॉल्टेड एट हर अंकल्स विलेज, अपने पापा के घर जाने के पहले वो जख्मी होने के कारण वो कहाँ पे रुकी, अपने अंकल के घर में रुकी रात भर। हर अंकल ऑफर्ड हर सम कशुम्बो, कशुम्बो मतलब है ड्रिंक मेड फ्रॉम अ ओपियम, एक दवाई की तरह काम करने वाला ड्रिंक उसको दिया टू रिलीव हर पेन, उसका जो जख्म जो मिले थे उसको बहुत दुख रहे होंगे, दर्द दे रहे होंगे, तो वो उसने वो क्या किया, वो पीने के बाद थोड़ा सा उसको रिलीफ लगाऊंगा। शी टुक द ड्रिंक एंड अ रिज्यूम्ड हर जर्नी, बस उसने वो ड्रिंक पिया और वो वहाँ से तुरंत निकल गई। बाय द टाइम शी रीच्ड हर फादर्स हाउस रूपाली बा हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, पर जब तक वो अपने पापा के घर तक पहुँच पाती थी तब तक उसका बहुत सारा खून बह चुका था। हर स्ट्रेंथ वॉज अ कम्प्लीटली शैटर्ड एंड शी कुड जस्ट मैनेज टू से अ फ्यू वर्ड्स टू हर पेरेंट्स, बस वो अपने घर तक जाते तक उसने अपने जान अपने प्राण बचा के रखे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद वो बस कुछ वर्ड ही अपने माँ बाप को बोल सकी। क्या बोली, इन अ फ्यू आवर्स शी मीट हर हीरोइक एंड, बस कुछ ही घंटे में वो वहाँ पहुँची थी और वही जब माँ बाप के घर में वो पहुँची तो वही वहाँ पे उसकी मौत हो गई। इवन टुडे द विलेजर्स ऑफ द गुजरात रिमेंबर रूपाली बा विद अ ग्रेट रिवेंज, दे फॉन्डली टेल हर स्टोरी टू देयर यंगर जनरेशन एंड सिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ दिस ब्रेव राजपूत गर्ल। और आज भी गुजरात में ये रूपाली बा के किस्से लोग अपने बच्चों को
अपने नातियों को, अपने पोतों को सुनाते हैं और उसके बारे में अच्छे अच्छे गाने भी गाते हैं। तो इस तरह से रूपाली बा एक क्या थी, बहुत ही ब्रेव लड़की थी। जिस तरह से आजकल आप लोग हो, आजकल की लड़कियां भी क्या है, बहुत ब्रेव है, तो वैसे ही आपको भी रहना चाहिए। लड़कों ने भी ब्रेव रहना चाहिए और लड़कियों ने भी ब्रेव रहना चाहिए, पर लड़कियों ने गलत काम नहीं करना चाहिए और लड़कों ने भी गलत काम नहीं करना चाहिए। बस आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म किया। थैंक यू।